न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को गुलबर्ग हत्याकांड में, मतलब कि कांग्रेस के संसद सभ्य एहसान जाफरी की हत्या के बारे में जो उन पर आरोप लग रहे हैं, पिछले 8 साल से नरेंद्र 9 साल से नरेंद्र भाई के खिलाफ एक जुम्बेश चलाई गई, एक हल्ला बोला गया है कि एहसान जाफरी की जब हत्या हुई तब नरेंद्र भाई ने कुछ नहीं किया। उन्हें पता था कि हत्या हो रही है, हत्या होने जा रही है, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए हैं। कहा यह जाता था कि एहसान जाफरी ने सीएम को भी, सीएम ऑफिस से भी बात करी, फिर भी कुछ नहीं हुआ और एहसान जाफरी की हत्या कर दी गई और साथ में कई दूसरे मुसलमान भाइयों की भी हत्या हो गई। बहुत सालों से ये आक्षेप चलता रहा। आखिर में 2006 में हाईकोर्ट में एक पिटीशन हुई, फिर बाद में वो बात हाईकोर्ट ने जब वो बात नकार दी, सुप्रीम कोर्ट में गए एहसान जाफरी के पत्नी। सुप्रीम कोर्ट ने रामचंद्रन की अगुवाई में एक तपास समिति बनाई, सीट बनाई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए एक स्पेशल टीम बिठाई गई। वो टीम ने 2008 से लेकर आज तक पूरी छानबीन करके, खुद नरेंद्र भाई को भी बुलाया गया सीट के सामने, उनका भी निवेदन लिया गया, सब होते होते आखिर कल बात बाहर आ गई कि नरेंद्र भाई इसमें कोई जिम्मेवार, नरेंद्र भाई और दूसरे जितने आरोप, जितने लोगों के नाम दिए थे मिसिस जाफरी ने, वो कोई भी इसमें दोषित नहीं है। अब बात यहाँ खत्म होनी चाहिए। कल ये अहवाल आ गया है, अब थोड़ी और कानूनी प्रक्रिया है, भले ही वो पूरी हो जाए, मगर अब फिर हल्ला गुल्ला शुरू हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस मिसिस एहसान जाफरी, तीस्ता सेतलवाड़ और जो थोड़ी संस्था है, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि कुछ भी हो, प्रूफ हो या ना हो, बात है या नहीं है, सत्य है या नहीं है, बस नरेंद्र भाई को फांसी चढ़ा दो, यही उनकी डिमांड है? वो क्या चाहते हैं? नरेंद्र भाई ने अग्नि परीक्षा दी, पिछले 8-9 साल से ये बात बार बार दोहराई गई, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में ये बात उठाई गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन, भारत के, दुनिया के ह्यूमन राइट्स कमीशनों के समक्ष ये बात चली, अमेरिका की संस्थाओं में भी ये बात चलाई गई कि नरेंद्र भाई ने ये किया वो किया। अब भारत की जो लोकशाही है उसमें जो सर्वोच्च अदालत है उनकी बनाई हुई सीट ने 2-2.5 साल तक जांच की, बहुत सारे साक्षियों को तपासा गया, बुलाया गया और आखिर में अहवाल सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो देखा, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे एक बड़े सीनियर वकील को भी सलाह देने के लिए कहा। ये सब बात कल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के समक्ष निकाल आई, उन्होंने कहा कि जो सीट की रिपोर्ट है उसमें ये सभी आरोपियों को निर्दोष, सभी आरोपियों के लिए कहा गया जिसका नाम दिया गया था, वो सभी को क्लीन चिट दी गई है, मतलब नरेंद्र भाई गुलबर्ग हत्याकांड के दोषी नहीं है। अब बात यह खत्म होनी चाहिए। हम चाहते क्या है, ये संस्थाएं चाहती क्या है, मिसिस जाफरी चाहती क्या है? अगर नरेंद्र भाई को जब तक फांसी न हो, जब तक कि नरेंद्र भाई गुनहगार है, ऐसा अहवाल ना आ जाए, ऐसा रिपोर्ट ना आ जाए, वहां तक एक या दूसरी जांच चलती ही रहे, चलती ही रहे। मैं कहना चाहता हूं कि बस यही रुक जाओ, अभी एक लोकशाही की मर्यादा है, जो बात अदालत के समक्ष आई है कांग्रेस स्वीकार कर ले, एहसान जाफरी की पत्नी भी स्वीकार कर ले, तीस्ता और सब संस्था भी स्वीकार कर ले कि हमने लड़ाई लड़ी। अगर इसमें नरेंद्र भाई दोषित पाए गए होते तो मैं भी चाहता कि उनके सामने प्रोसिक्यूशन हो, पर मेरा कहना यह है कि जब भगवान रामचंद्र जी ने सीता की एक ही बार अग्नि परीक्षा ली थी, 100 बार अग्नि परीक्षा नहीं ली गई थी, तो नरेंद्र भाई की अग्नि परीक्षा पूरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट
ने जो तपास के लिए सीट बनाई थी उन्होंने भी कह दिया अब ना तो रामचंद्रन नरेंद्र भाई के यहाँ नौकरी करते हैं, ना उनके अंडर नौकरी करते हैं, गुजरात सरकार के अंडर नौकरी करते, ना सुप्रीम कोर्ट इनके अंडर थी। अब ये अहवाल भी अगर आप कहोगे कि हम नहीं स्वीकारना चाहते, हमारी लड़त चालू ही रहेगी, तो मतलब साफ है कि आप गुजरात में अमन शांति नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि ये बात खड़ी ही रहे, कभी पूरी ना हो। और मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी की हत्या हुई और दिल्ली में 7,000 सिखों की कत्ल हो गई, जब ये गुलबर्ग कांड हुआ या साबरमती कांड हुआ, नरेंद्र भाई ने कभी उसकी पुष्टि नहीं की। हाँ, एक बार उन्होंने, जब बड़े दंगे हुए, लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा कि इतने बड़े दंगे हो गए गुजरात में, उन्होंने जरूर कहा कि जो एक्शन आता है उसका रिएक्शन आता है, कोई भी एक्शन का रिएक्शन होता है। तो राजीव गांधी ने जो कहा था वो भी सुनने जैसा है। जब इंदिरा जी की हत्या हो गई, भारत में बहुत नया नया टीवी था, दूरदर्शन के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता था। राजीव गांधी ने दूरदर्शन पर कहा कि जब बड़ा पेड़ गिर जाता है तो बहुत सारा घास कुचल जाता है। मतलब साफ था कि इंदिरा जी जैसा बड़ा पेड़, बड़ी व्यक्ति की अगर कोई सिख ने हत्या की है तो बहुत सारे सिख मारे भी जाएंगे। न दिल्ली में या न भारत के कोई कोने में लश्कर बुलाया गया, न हत्याएं रोकी गई। कहते हैं कि पूरे भारत में तो 20,000 से ज्यादा सिखों की हत्या हो गई। अब मैं कांग्रेस को पूछना चाहती हूं कि क्या 7,000 सिखों के बराबर एक एहसान जाफरी है? 7,000 सिखों की कत्ल में आपने कभी राजीव जी का नाम नहीं लिया कि राजीव गांधी ने यह कहा था, राजीव गांधी ने लश्कर नहीं बुलाया, राजीव गांधी के कहने के बाद लोगों में और जुस्सा आ गया, क्योंकि वड़ा प्रधान, वो तो बड़ा प्रधान बन चुके थे, वड़ा प्रधान कह रहा था कि जब पेड़ गिरेगा तो घास कुचल जाएगी। राजीव जी ने तो इंस्टिगेट किया था। और मुझे ये भी कहने दो कि उस समय जो सिखों की हत्या हुई थी वो हिंदुओं ने नहीं करी थी, हिंदुओं को सिख से कोई वैर नहीं था। तो ये 7,000 सिखों की कत्ल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों ने करी थी, कांग्रेस के नेताओं ने करवाई थी। आज गुजरात में हिसाब पूछते हो, मैं हिसाब पूछता हूं कि 7,000 सिखों की हत्या में आज तक एक कांग्रेसी को शिक्षा हुई, एक बड़े नेता को शिक्षा हुई? सालों से सज्जन सिंह का नाम चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसे, वो आज भी घूम रहे हैं, 25 साल के बाद भी घूम रहे। दिल्ली में 7,000 हत्या हो गई, मैं पूछता हूं कोई 100 आदमियों को शिक्षा हुई? 100 लोगों को आज तक जेल भेजा गया, जन्मटीप हो गई? गुजरात में हम हर रोज देखते रहते हैं, आइंदा बार बार आता है कि यहां इतने मुसलमानों की हत्या हो गई थी, अभी ओड में 23 मुसलमानों की हत्या हो गई थी, 23 को सजा हो गई, वो गुनहगार हो गए। बेस्ट बेकरी हत्याकांड मुंबई में चला, उसमें न्यूज प्लस चैनल की सीढ़ी थी कि ये जो हिंदू आरोपी है वो आरोपी नहीं है, ऐसा तीस्ता ऐसा उसमें वो सीढ़ी में जहीरा की भाभी ने कहा था, वो सीढ़ी मैंने पेश की वहां बेस्ट बेकरी कांड में, मुंबई जाके पेश की, उसमें 12 आदमियों को सजा हो गई। तो यहां तो गुजरात में कानून का शासन है, सजाएं दोनों ओर से होने लगी, साबरमती हत्याकांड में भी सजा हो गई, मुसलमानों को हो गई, यहां तो दोनों को बराबर की सजा हो रही है। दिल्ली में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, जहां आप लोगों ने सिखों को मार दिया था? तो कांग्रेस पहले अपना दामन देखिए कि वो दामन पे कितने दाग लगे हैं। आप लोगों ने, जब आप पर आई कोई बात तो आप लोगों ने यही किया है, उससे भी बुरा किया है।
आपकी एक नेता की हत्या हो जाए और 7-8 हजार लोग दिल्ली में मारे जाए, पूरे भारत में 20 हजार लोग मारे जाए, तो कोई बात नहीं, कोई उसमें कोई जिम्मेवार नहीं है। बुरा है, वो भी बुरा है, तो ये हम भी मानते हैं कि गुजरात के दंगे बुरे हैं, गुजरात पर कलंक है, मगर यहां कानून अपना काम कर रहा है, सजाएं हो रही है, लोग भुगत रहे, जिन्होंने भी किया नहीं किया वो भी भुगत रहे। मगर अब मैं कांग्रेस को कहना चाहती हूं कि अब ये बात यहीं पे पूरी करे। ये बार बार कांग्रेस जो बात उछाल रही है, कोई फायदा नहीं कर रही अपना। 2012 में चुनाव है, गुजरात की प्रजा देख रही है कि भाई ठीक है, तपास होनी ही चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आरोप लगे तो वो तपास हो। मतलब ये तो नहीं कि जब तक कि नरेंद्र भाई जेल नहीं जाएंगे हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये सरासर गलत बात है। मैं नरेंद्र भाई की बहुत बार टीका कर चुका हूं, उनकी कई बातों का मैं विरोध करता हूं, मगर ये बात कि नरेंद्र भाई के पीछे विच हंटिंग हो, उसके पीछे ही पड़ गए हो, तो फायदा नरेंद्र भाई का हो रहा है, नुकसान कांग्रेस का हो रहा है। ये बात बंद हो, अभी ये चैप्टर पूरा कर दो। गुजरात की जनता देख रही है कि आप लोग नरेंद्र भाई को ऐसे ही टारगेट बना के काम कर रहे हो। तो गुजरात की जनता अपना जो फैसला है वो चुनाव में देखे। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं।